नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, केबल डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, जेंट्स स्वेटर में डालेंगे, हाफ में डालें, फुल में डालें, पुलोवर में डालें, बच्चों के स्वेटर में डालें, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ऐसे हम 6-6 फंदा गिनें तो लास्ट में 4 फंदा बचना चाहिए, 2 फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए और 2 फंदा एज के लिए। तो मैंने 16 फंदे डाल दिए हैं। डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1-2, फिर ऊन दूसरी ओर, 4 फंदा सीधा, 1-2-3-4। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उनको अपनी ओर करना है, 2 फंदा उल्टा बुनना है, उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा, 3 फंदे बचेंगे तो ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, ये हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, ये इधर से सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, तो 2 फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा, ये देखिए 4 उल्टे फंदे दिख रहे हैं, तो पहले फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1-2, फिर ये चौथा फंदा है, इसे भी हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होगा, तो 2 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, देखिए 4 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो पहला फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे को हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ये चौथा फंदा है, तो इसे भी हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो देखिए 2 फंदा सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, 2 फंदा उल्टा, अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए 4 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम ऐसे नीचे गिरा देंगे, दूसरे और तीसरे फंदे को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे, चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में लेके फिर दूसरे और तीसरे फंदे को भी दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब देखिए ये पहले फंदे को ऐसे उठाएंगे और बाईं सिलाई में ले लेंगे, देखिए ये दोनों फंदे ऐसे आपस में क्रॉस हो गए। अब इन तीनों फंदों को वापस बाईं सिलाई में ले लेंगे और 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, देखिए इस वाले फंदे को हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे बुनेंगे, ये फंदा ऐसे सीधा आना चाहिए, फिर ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, अब देखिए फिर 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इन 4 फंदों को ऐसे सिलाई पर से गिरा दीजिए,
दूसरे और तीसरे फंदे को 22 सिलाई में ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को, पहले और चौथे फंदे को आपस में क्रॉस करना है, तो क्या करेंगे, पहले चौथे फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे, फिर दूसरे और तीसरे फंदे को भी दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब पहले फंदे को ऐसे 22 सिलाई में लेंगे और इन तीनों फंदों को वापस 22 सिलाई में ले लेंगे। देखिए ये दोनों फंदे आपस में क्रॉस हो गए। अब इन चारों को हम सीधा बुन लेंगे। ये फंदा हमारा चौथा फंदा मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे सीधा आना चाहिए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट में तीन फंदा है तो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, अब चार उल्टे फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना। अब यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होगा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर चार फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर लास्ट में देखिए तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। एक बार फिर से देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर चार फंदा सीधा, उन अपनी ओर यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट हो रहा है, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर चार फंदा सीधा। उन अपनी ओर देखिए लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर अब देखिए ये चार फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो पहला फंदा हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर चौथा फंदा, इसे भी हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो हमारा ये एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब हम उनको दूसरी ओर करेंगे, यहाँ से हमारा दूसरा डिजाइन स्टार्ट होगा, तो दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर, अब देखिए चार उल्टे फंदे हैं, तो पहला फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर चौथा फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, अब देखिए ये चार सीधे फंदे हैं, तो इन्हें हम सिलाई पर से ऐसे गिरा देंगे। दूसरे और तीसरे फंदे को हम 22 सिलाई में लेंगे और पहले और चौथे फंदे को हमें आपस में क्रॉस करना है। ऐसे पहला वाला फंदा ऊपर की तरफ जाएगा, तो चौथे वाले फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे, फिर इसी सिलाई में हम दूसरे और तीसरे फंदे को भी लेंगे। पहले फंदे को ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे हम ले जाएंगे, फिर 22 सिलाई में ही हम इन तीन फंदों को भी शिफ्ट कर लेंगे, फिर चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ये फंदा हमारा हमेशा सीधा आना चाहिए। फिर उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा,
नाखून दूसरी ओर देखिए, फिर से देखिए, ये चार डिज़ाइन के फंदे हैं, इन्हें हम गिराएंगे। दूसरे और तीसरे फंदे को हम बाईं सिलाई में लेंगे, पहले और चौथे फंदे को हमें आपस में ऐसे क्रॉस करना है। तो चौथे फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे, फिर दूसरे और तीसरे फंदे को भी दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब पहले फंदे को ऐसे ऐसे ऊपर से ले जाते हुए बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब बाकी तीन फंदों को भी हम बाईं सिलाई में कर लेंगे और फिर इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। छः फंदे का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और देखिए डिज़ाइन इस तरह बन के तैयार होगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा खूबसूरत सा केबल डिज़ाइन। आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, आप कैप में, हैट में डालिए, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।